नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड एकोस्पोर्ट का कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है और कौन सा वेरिएंट आपको, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, देखो आजकल क्या होता है, कार खरीदने से या कार डिसाइड करने से ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा वेरिएंट खरीदना है ये डिसाइड करना। तो अगर आप एकोस्पोर्ट पे जीरो डाउन कर चुके हो कि हाँ भैया लेनी तो हमें एकोस्पोर्ट ही है, तो उसके बाद में कौन सा वेरिएंट खरीदें, कौन सा मॉडल खरीदें या कौन सा ट्रिम खरीदें, ये आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा आई होप। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि मैं सिर्फ एकोस्पोर्ट की बात करूँगा, एकोस्पोर्ट को कंपेयर नहीं करूँगा किसी और कार से, क्योंकि ये कंपेरिजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा मॉडल जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मेजर अवेलेबल है। पहला, आपके पास पेट्रोल में मैनुअल ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा आपके पास डीजल में मैनुअल अवेलेबल है, और तीसरा पेट्रोल में ऑटोमेटिक आपके पास अवेलेबल है। तो तीन मेजर चीज़ें जो है आपके पास अवेलेबल है वो ये है। सबसे पहली चीज़, सबसे कम वेरियंट है पेट्रोल के ऑटोमेटिक में, एक ट्रेंड प्लस और एक टाइटेनियम प्लस, यानी कि दो ही वेरियंट आपके पास अवेलेबल है पेट्रोल के ऑटोमेटिक में। और अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं तो आप कन्वीनियंस को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उस सूरत हाल में मुझे लगता है कि आप शायद टाइटेनियम प्लस पे ही जाएंगे, यानी टॉप एंड वेरिएंट पे ही जाएंगे, जो कि सबसे महंगा वेरिएंट भी है एकोस्पोर्ट का। ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में लगभग ये पड़ती है 12 लाख रुपए के आसपास। तो उस सिचुएशन में आप ये डेफिनेटली खरीद सकते हैं अगर आपका बजट है। अगर आप ट्रेंड प्लस ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो आपको 10,75,000 के आसपास फर्क पड़ता है। तो ये 1.5 लाख का फर्क हम छोड़ देते हैं, या जितना भी फर्क है हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे ये बिलीव करते हैं कि पेट्रोल का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो आपके पास पेट्रोल ऑटोमेटिक का वो रहेगा टाइटेनियम प्लस। अब बात करते हैं मैनुअल की, डीजल में और पेट्रोल दोनों में। तो पेट्रोल के मैनुअल में आपके पास तीन ही ऑप्शन अवेलेबल है, एम्बिएंट, ट्रेंड और टाइटेनियम, यानी कि आपके पास ट्रेंड प्लस और टाइटेनियम प्लस जो है वो पेट्रोल के मैनुअल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन डीजल में आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो डीजल वाले हिसाब से ही बात करते हैं ताकि आपको पेट्रोल का भी अंदाज़ा लग जाएगा और बेसिक जो डिफरेंसेज हैं वो भी हमें पता चलते जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत है एम्बिएंट। देखो एम्बिएंट बहुत ही सबसे बेस वेरिएंट है और आपको एकदम नॉर्मल फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि खैर यहाँ पे फोर्ड की एक तारीफ करनी होगी कि सेफ्टी फीचर्स आपको बेसिक सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे एम्बिएंट वेरिएंट में भी। लेकिन एम्बिएंट वेरिएंट मुझे नहीं लगता उतना वैल्यू फॉर मनी बाय है, क्योंकि वो आपसे ऑलमोस्ट उतने पैसे ले रहा है जितना उसका नेक्स्ट वेरिएंट ले रहा है, लेकिन फीचर्स बहुत सारे कटे हुए हैं जो कि आपको ऑब्वियसली वापस बाद में ऐड करवाने पड़ेंगे कुछ कुछ फीचर्स। सबसे पहले अब बात एम्बिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट के साथ उसको कंपेयर करते हैं। एम्बिएंट्स का अगला वेरिएंट है ट्रेंड, और एम्बिएंट और ट्रेंड को अगर आप कंपेयर करें तो सेफ्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंफर्ट में आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा ट्रेंड में, टच स्क्रीन छोटा वाला मिलेगा, बड़ा वाला 8 इंच वाला नहीं, उसके बाद में ड्यूअल यूएसबी सॉकेट मिल जाएगा, उसके बाद में सिंक 3 म्यूजिक सिस्टम जो है फोर्ड का, जो कि वॉइस कमांड एक्टिवेट है वो मिलेगा आपको, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिलेंगे किसमें ट्रेंड में, उसके बाद में एक्सटीरियर बाहर से दिखना में क्या डिफरेंस है उसमें बात करें तो बॉडी कलर ORVM यानी कि साइड के जो रियर व्यू मिरर है वो बॉडी कलर होंगे, और डोर हैंडल जो होगा वो भी बॉडी कलर होगा, बाकी एम्बिएंट में ये ब्लैक कलर के होंगे। बी पिलर जो है वो भी ब्लैक होगा इसमें, या जो टॉप ट्रेंड वाला वेरियंट आ रहा है उसमें, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इंटीरियर में देखा जाए तो छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे कि कहीं पे सिल्वर फिनिश दे दिया, कहीं पे क्रोम फिनिश दे दिया, ये छोटे मोटे चेंजेस हैं इंटीरियर, तो इंटीरियर अवॉइड करते हैं। एक्सटीरियर में डेफिनेटली दिखने में काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि विजिबली भी बहुत सुंदर लगते हैं ट्रेंड में। उसके बाद में कंफर्ट में जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑटोमेटिक एसी, टच स्क्रीन, यूएसबी सॉकेट, सिंक 3 स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, उसके साथ में प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 70,000 के लगभग का। 70,000 का ये जो प्राइस डिफरेंस है ये इतना बड़ा नहीं है, यानी कि अगर आप एम्बिएंट से आते हैं ट्रेंड पे तो डेफिनेटली एक वर्दी अपग्रेड है, ठीक है, एम्बिएंट से ट्रेंड पे आना। तो अब अगला वेरिएंट है उस पर चलते हैं, ट्रेंड से आए हैं ट्रेंड प्लस पे। ट्रेंड से ट्रेंड प्लस में आने पर सेफ्टी में हमें थोड़े से अपग्रेड मिलते हैं, यानी कि रियर वाइपर मिल जाएगा हमें, उसके बाद में हमें डीफॉगर मिल जाएगा, फ्रंट फॉग लैंप मिल जाएंगे और पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। ये मेजर अपग्रेड लग रहा है, अच्छी बात है। कंफर्ट में बात करें, आर्म रेस्ट मिल रहा है ड्राइवर को, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर की, उसके बाद में आपको पावर फोल्डिंग ORVM अपने आप और एक बटन से ORVM जो है बाहर वाले मिरर फिर फोल्ड हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंजेस नहीं, यानी कि आपको वही टच स्क्रीन, वही सब ऑटोमेटिक एसी वगैरह मिल रहा है। एक्सटीरियर में आपको यहाँ पे रूफ रेल जो है उसमें ब्लैक फिनिश मिलेगी, और टायर बड़ा मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा कौन सा, नॉर्मल स्टील व्हीली, अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, कोई बाहर से कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, इंटीरियर में भी कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, वही सब वैसी सीट सब कुछ वही है, लेकिन हाँ लाइटिंग में थोड़ा सा चेंज है, जो आउटसाइड पडल लैंप्स यानी कि जो बाहर ORVM है उसके नीचे दो लैंप्स मिलेंगे, और लगेज में भी एक लैंप मिलेगा, चलो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन प्राइस डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 40,000 का, यानी कि अगर आपको एम्बिएंट वेरिएंट से ट्रेंड पे आओ तो 70,000 प्लस 40,000 यानी कि 1,30,000 में आपको
ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है जो कि अच्छी है। और अब आगे के मैं फीचर्स जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है एको स्पोर्ट का वो है ट्रेंड प्लस। आप ये देख सकते हैं एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है ट्रेंड प्लस है आपके पास अगर आपको ख़रीदना है। डीजल में ट्रेंड प्लस की जो एक्सशोरूम प्राइस है वो लगभग आपको 9,10,000 की पड़ेगी और पेट्रोल में ये प्राइस जो है वो आपको डेफिनेटली नहीं मिल पाएगी ट्रेंड प्लस में, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक में ही मिलेगा। लेकिन मैनुअल में आप ट्रेंड खरीद सकते हैं जो कि 8,00,000 के आसपास का अवेलेबल होगा। ये एक्सशोरूम बता रहा हूँ मैं, ऑनरोड प्राइस अलग होगी। तो डेफिनेटली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो ट्रिम है या मॉडल जो है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ ट्रेंड प्लस को। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल नोट डाउन करनी पड़ेगी, जब वो आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। जंप करते हैं ट्रेंड प्लस से टाइटेनियम पे। टाइटेनियम पे जंप करने को आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? माइकी हाई स्पीड वार्निंग, ये सेफ्टी के दो चीज़ें हैं। माइकी हाई स्पीड वार्निंग दोनों को ही आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में कंफर्ट में आपको मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कैपेसिटिव एंट्री, मतलब आपको टच की जावी जेब में रखो आप एंटर कर जाओगे। उसके बाद में सनग्लास होल्डर, 8 इंच का टच स्क्रीन। ये डेफिनेटली ऐसे अपग्रेड्स है जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको अगर लेना है, ये चाहते हो आप, तो उसके साथ ही रहें। ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट इनमें से कुछ भी चीज़ की नहीं जा सकती, लेकिन ऐसे इतनी फिनिश के साथ में ये चीज़ नहीं की जा सकती आफ्टर मार्केट। उसके बाद में एक्सटीरियर में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, बम्पर में एप्लीक जो है आगे की तरफ आपको अलग से दिखने को मिलेगी, जो अभी मैं शो कर दूंगा वो। उसके बाद में एल्यूमिनियम रूफ रेल मिलेगी आपको, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ये पहला वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉय व्हील मिलेंगे टाइटेनियम जो है, लेकिन ये अलॉय व्हील्स जो टॉप एंड वेरिएंट वाले हैं उससे थोड़े अलग हैं। उसके बाद में इंटीरियर जो है आपको ब्लैक फैब्रिक मिलेगा जो कि थोड़ा बेटर है, ब्लैक नहीं आपको शायद थोड़ा सा ब्लैक कलर नहीं है उसका, थोड़ा अलग कलर है लेकिन वो बेहतर है। उसके बाद में बेटर कलर मैच मिलेगा प्लेसेस में, मतलब इधर उधर जो कलर चेंजेस है वो बेटर मिलेंगे। चलो इंटीरियर को अगर अवॉइड करते हैं तो भी यहाँ पे एक्सटीरियर और कंफर्ट वगैरह में ऐसे चेंजेस हैं जो कि डेफिनेटली अच्छे दिखेंगे, लेकिन प्राइस में कितना बंप है वो देखते हैं। प्राइस में जंप आएगा 75,000 का। 75,000 में ये फीचर्स जस्टिफाई तो होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डील ब्रेकर कर जाए। और अगर आपको 75 देने हैं, आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है तो दे सकते हैं, लेकिन उतना वैल्यू फॉर मनी मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि डेली यूजर्स में इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं होगी तो आपको शायद इतना अच्छा व्हील नहीं होगा, ठीक है? तो डेली कम्यूट के लिए आपके पास डेफिनेटली जो अच्छी चीज़ है। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, वो ये है कि अगर आप सिटी में ड्राइव करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटी में, और उस हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बेटर लग सकती है, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, 8 इंच वाली स्क्रीन जो आपको यहाँ मिल रही है, उससे पहले वाले वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलती है, प्लस पुश स्टार्ट कैपेसिटी एंट्री। यानी कि अगर आप चाहते हैं एक लोडेड कार और आप फिर भी सोच रहे हैं थोड़े से पैसे बचाने की, तो टाइटेनियम जो है वो सिटी के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है टाइटेनियम प्लस की बजाय। टाइटेनियम प्लस में कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे आपके लिए टाइटेनियम प्लस जो है वो बेस्ट वेरिएंट नहीं है अगर आपको सिर्फ सिटी में ड्राइव करना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टाइटेनियम प्लस की। टाइटेनियम प्लस सेफ्टी के मामले में एक बेटर अपग्रेड है। कैसे है बेटर अपग्रेड? ब्रेक असिस्ट आपको मिलता है, आपको मिलता है स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, हिल लॉन्च असिस्ट, रियर व्यू कैमरा मिलता है यहाँ पे। कैमरा आपको इसी में मिलेगा, इससे पहले कैमरा आपको नहीं मिल रहा था, भले ही वही सेम 8 इंच का टच स्क्रीन टाइटेनियम में था, हो सकता है एसेसरी में आया, लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंफर्ट की बात की जाए तो रेन सेंसिंग वाइपर ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद में एक्सटीरियर चेंजेस की बात की जाए तो सिर्फ एक डिफरेंट दिखने वाले अलॉय व्हील्स, और वो बड़े भी हैं, थोड़े बेहतर भी हैं, वो आपको मिल सकते हैं। इंटीरियर में लेदर सीट्स मिलेगी आपको टाइटेनियम प्लस में, टाइटेनियम में नहीं मिलेगी, शायद इतना बड़ा चेंजेस नहीं है आपके लिए या मेरे लिए भी नहीं है। लेकिन प्राइस बम्प जो है वो है 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का प्राइस बम्प में ये फीचर्स तो जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन इनमें से नोटिस कीजिए कि ऐसे कौन से फीचर है जो आपको सिटी में ज़्यादा यूज़ में लेने पड़ेंगे, सिटी कम्यूट्स के लिए ज़्यादा यूज़ में लेंगे। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आपको सिटी कम्यूट्स को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस लाएगा, कोई ऐसा फीचर नहीं है डेफिनेटली। तो अगर आप सिटी में लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका टॉप एंड वेरिएंट आ जाए आपके पास, मेरे ख्याल से आप जो है टाइटेनियम पे ही रुक सकते हैं। टाइटेनियम प्लस पे आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं आपको। हाँ, हाईवे राइड्स करनी है तो डेफिनेटली इनमें से कई फीचर बहुत बेहतर हैं। ब्रेक असिस्ट हुआ, स्टेबिलिटी हुआ, ट्रैक्शन भी अच्छा काम करता है, हिल लॉन्च असिस्ट, अगर आप कहीं घूमने वूमने जाते हैं तो डेफिनेटली टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो आपको फीचर मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतर चीज़ यही होगी कि आपको सिटी सिटी में ज़्यादा यूज़ लेना है, टाइटेनियम पे रुक जाइए। ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो सेगमेंट है या जो ट्रिम है या जो वेरिएंट है वो मैं यहाँ मानता हूँ कि ट्रेंड प्लस है। और आप लोडेड कार लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली टाइटेनियम पे आप रुक सकते हैं, टाइटेनियम प्लस की जगह।
पेट्रोल में भी ये सेम चीज़ लागू होगी, लेकिन पेट्रोल में भी क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ऑटोमेटिक का सिर्फ टाइटेनियम प्लस में और ट्रेंड में, तो आपको ऑटोमेटिक में ज़रूर कुछ सोचना पड़ेगा जो कि शायद मैं आपको ज़्यादा बता ना पाऊँ। मेरे ख्याल से तो टाइटेनियम प्लस ही अच्छा वेरियंट है ऑटोमेटिक में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इतना सारा जो चीज़ें मैंने नोटिस करके आपको समझाई है, आपको बताया है कि कौन सा वेरिएंट बेस्ट है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रोज एक ना एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।